रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस शो में ढेर सारे ट्विस्ट आ चुके हैं। इस शो में पहले ही हफ्ते मिड वीक इविक्शन हुआ और नीरज गोयत शो से बाहर हो गए। इस बीच वीकेंड का बार में भी एक प्रतियोगी को इविक्शन की मार झेलनी पड़ी। अनिल कपूर ने शो से पायल मलिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अब बिग बॉस ओटीटी 3 में एक और मिड वीक इविक्शन हो गया है। जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी 3 में महज 10 दिन के अंदर तीसरा इविक्शन हुआ है, यानी शो से अब पौलोमी दास बाहर हो गई हैं। पौलोमी दास आज भले ही टीवी की फेमस एक्ट्रेस है, लेकिन कभी सांवले रंग के कारण इन्होंने खूब रिजेक्शन झेला है, पर अपनी कमजोरी को इन्होंने ताकत बनाया और सफलता का मुकाम हासिल किया। पौलोमी दास न सिर्फ पर्दे पर अपनी हॉटनेस का जादू चलाती हैं, बल्कि इनके इंस्टाग्राम पर भी उनका बोल्ड लुक देखने को मिलता है। पौलोमी दास को इंस्टाग्राम पर हजारों लोग फॉलो करते हैं। उनके फैंस का मानना है कि वो प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती हैं, इसलिए उन्हें टीवी की प्रियंका चोपड़ा कहते हैं। पौलोमी दास ने बिग बॉस के घर में बात करते हुए बताया था कि साल 2021 में इटालियन शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी, वह इटली में रहता था, वो उनके साथ खुश थी, उन दोनों के बीच प्यार था, लेकिन जब रिश्ते में प्यार की जगह चैलेंज और शर्तें आने लगे तो रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आगे वह इमोशनल होकर बताती हैं कि पिछले साल नवंबर में उनका ब्रेकअप हो गया। यानी कि बिग बॉस ओटीटी 3 से पौलोमी दास भी अब घर से बाहर आ गई है।